हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ NABH 5th एडिशन के 32 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिस्कस करने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने PPT बनाई है। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बोल चुकी हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज वो जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ। आज मैंने PPT बनाई है और आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में वो 32 इंडिकेटर्स मैंने PPT में डाले हैं। और आप एक बार PPT के गो थ्रू हो गए, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। उसमें मैंने हर एक चीज़ जो है वो कॉलम में बना के लिखी है, जैसे कि उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, फॉर्मूले क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने PPT में डाल दी हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और मैं जो अभी बोलूँगी उसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको हर एक बात में इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो उसके बाद PPT मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी, उसको डिटेल्ड वे में मैंने बनाया है, इसलिए अच्छे से गो थ्रू होना। फटाफट से आप सारी चीज़ें जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप को लिया है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बाकी ऑडियंस जो है वो मुझे सपोर्ट करना चाहती है, तो मेंबरशिप आप ले भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, एटलीस्ट 4 to 5 मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि NABH के इंडिकेटर्स भी PPT बनाए जिसमें सारे इंडिकेटर्स इंक्लूड हो। तो उन लोगों के लिए मैंने ये PPT बनाई है, आप लोग भी इससे बेनिफिटेड होंगे, इसलिए इसको पूरा देखना। और देखिए, जो 32 इंडिकेटर्स है, जो हम क्वालिटी इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, उसका जो सेकेंड नेम है वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो क्वालिटी इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो 32 क्वालिटी इंडिकेटर्स NABH 5th एडिशन में बहुत शॉर्ट में कर दिए हैं और ये मैंडेटरी हैं, ठीक है। आपने बाकी जो एडिशन्स है उसमें अगर चेक किया होगा तो इंडिकेटर बहुत है, अबव 70 है, ठीक है। बट इसमें कोई भी ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है कि पिछली बार तो हमने इतना कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया और अभी बिल्कुल कम हो गया, तो पुराने इंडिकेटर्स का हम क्या करें। देखिए, जिन्होंने पुराने इंडिकेटर्स फॉलो किए हैं वो भी प्रोसेसेस के बेसिस पे ही हैं, जो कि NABH के थ्रू जो स्टैंडर्ड्स है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है, उन्हीं में से वो चीज़ें भी, वो इंडिकेटर्स भी निकले हैं, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये 32 तो आपने लागू करने ही करने हैं। बट इसके अलावा अगर आप पुराने भी चलाना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुराने इंडिकेटर्स भी साथ साथ चलाइए। तो मेरी एडवाइस ये है, अगर आप लोगों ने पुराने इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी निकालने शुरू कर दिए और आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है उनका, तो कोई इशू नहीं है, उसको साथ साथ चलाइए। इससे क्या है, आपकी और बेटर इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो 32 तो आपने निकालने ही है, इसके अलावा जो पुराने हैं वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 32 इंडिकेटर्स हैं, ये PSQ के 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। आगे PPT में आप देखेंगे कि फर्स्ट स्लाइड में वो कैटेगरीज के साथ उसमें कितने इंडिकेटर्स हैं वो भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो 2 कैटेगरीज में है, एक PSQ3, एक PSQ4। अब PSQ3 और 4 के अंडर भी आगे सब हेडिंग्स है, जैसे PSQ3B, 3A, 3C, 4D, ठीक है। इस तरीके से आगे और भी कैटेगरीज हैं, वो आपको PPT में पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन क्वालिटी इंडिकेटर्स का मकसद क्या होता है, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले आपने डेटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी डेविएशन लगती है तो आपने इस पर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, ठीक है। अब बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेने के बाद आपने उस चीज़ को फॉलोअप भी रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली मेमोराइज रहे कि हमने कौन से करेक्टिव एक्शन किस चीज़ में लगाए हैं, ठीक है। तो एक्सेल शीट बनाएं, आगे आपकी प्रोसेस है, आप किस तरीके से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बेटर वे यही है कि अगर आप एक्सेल शीट लगा के रखें अपने इंडिकेटर्स की, ठीक है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर करके काफ़ी चीज़ें काफ़ी आसानी से निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो एक जस्ट मेरे एक सजेशन है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PSQ3 और PSQ4, ये जो 2 कैटेगरी है, मैं बार बार कैटेगरी वर्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसको 2 चीज़ों में ही डिवाइड किया है, ठीक है। एक PSQ3, एक PSQ4, आगे ये सब डिवाइडेड है। अब जो PSQ3 कैटेगरी के अंडर आपके इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो इंडिकेटर किस पे बेसिस है, आपके स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम्स पे, ठीक है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम्स पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगी कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर भी मैंने क्लिनिकल ऑडिट में स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है,
ठीक है। अब PSQ-4 जो है उसमें आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स का यूज़ करके ही उन इंडिकेटर को एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फर्क है इन दोनों में, इसलिए गाइस मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जो मैं बोलूँ उसको स्किप मत करना, क्योंकि इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दूंगी, ठीक है। अब मैं PPT स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपको डिटेल्ड वे में 32 क्वालिटी इंडिकेटर्स मिल जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको PPT की तरफ लेके चलती हूँ।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. बड़ी मेहनत से मैंने ये पीपीटी बनाई थी. उम्मीद करती हूँ आपको ये पीपीटी और जो मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर की है वो पसंद आई होगी. अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके से मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करती रहूँगी. तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.